मध्य प्रदेश के विकास को गति देने वाली इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। भोपाल मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज और कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए आजादी के बाद सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। इंदौर और मनमाड़ के बीच प्रस्तावित यह रेल लाइन मुंबई और इंदौर के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की वृद्धि होगी। परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन भी बनाए जाएंगे, जिससे मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले बड़वानी को बेहतर संपर्क मिलेगा। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। आजादी के बाद का सर्वाधिक खुशी देने वाले दिनों में से एक दिन है, जब कल की कैबिनेट और कैबिनेट के माध्यम से जो समाचार आए, ये मान के चले कि हमारा अपना वो आदिवासी अंचल, जिस अंचल में विकास के लिए जीवन में कभी ये जो नई मनमाड़ रेल परियोजना मंजूर जो हुई है इंदौर से मुंबई, इंदौर तो क्या, मैं तो इसको उज्जैन से देखता हूँ क्योंकि ये उज्जैन से मुंबई तक का रास्ता जोड़ा है, ये त्र्यंबकेश्वर से महाकालेश्वर के बीच का पूरा एक रास्ता है जो अपने चार ज्योतिर्लिंग तक जोड़ेगा, और एक तरह से ये अभी बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला, इस बदले हुए दौर में इस परियोजना का महत्व तो हमारे सबके सामने बोलने से ज्यादा जब ये हो जाएगा, इसके होने मात्र के करंट से अपने आप एक स्फूर्त जिस ढंग से जगी वो हम सबको एक अलग दौर में ले जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।